हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाल ही में लिस्ट होने वाली बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि अपना आईपीओ तकरीबन 60 रुपए पर लाया था और इसकी काफी धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी और ये काफी हाई पर जाकर के लिस्ट हुआ था और उसके बाद से ही इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और बहुत सारे जो रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो ऊपरी स्तरों पर इसमें फंस चुके हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बर्गर किंग में वो ऊपरी स्तर पर ये स्टॉक जा पाएगा या नहीं। और अगर जो नए निवेशक हैं जो कि बर्गर किंग में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें किन स्तरों पर निवेश की राय बनानी चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा मार्केट में गर्म हो रही है। तो हम लोग आज इस पूरे वीडियो में इन सारी बातों की चर्चा करेंगे कि क्यों ये ऊपरी स्तरों से लगातार नीचे करेक्ट हो रहा है और अब आने वाले दिनों में इसके भाव किस प्रकार से बदल सकते हैं। हालांकि अभी ये देखा जाए दोस्तों तो ये अभी ये 141 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था बर्गर किंग पर 17 दिसंबर को और उस समय ये लिस्ट ही हुआ था और इसमें लोअर सर्किट लग रहा था। तो हम लोगों ने एनालाइज किया था कि इसके शेयर भाव आने वाले दिनों में कैसे देखने को मिल सकते हैं, उन सारी संभावनाओं की तलाश हम लोगों ने उस वीडियो में की थी, जिसके लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं। आप उन्हें भी जाकर के देख लें इस वीडियो को पहले देखने से पहले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग उस वीडियो के कुछ पोर्शन को देख लेते हैं कि हम लोगों ने उस वीडियो में क्या पाया था, उसके बाद फिर हम लोग इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी पिछले 5 सालों से लगातार लॉस बुक कर रही है, तो यहाँ पर हम निवेशकों के लिए ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि कंपनी तो सेल्स ग्रोथ कर पाने में सफल रही है लेकिन अपने बिजनेस से ये प्रॉफिट निकाल पाने में असफल होती हुई दिख रही है। और अगर इसके इंटरेस्ट बर्डन को भी देखा जाए दोस्तों, तो इनका इंटरेस्ट बर्डन समय के साथ काफी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हम लोग ये कह सकते हैं कि बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड के जो फंडामेंटल्स है वो बेहद ही खराब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आईपीओ में जो इनको जो पैसा मिला है निवेशकों से, उसका इस्तेमाल ये अपने जो एक्सपेंशन है बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाएगी और प्लस जो इनके जो कर्ज है उसको एक कम करेगी, ऐसा कंपनी ने वादा किया है अपने इन्वेस्टरों से। तो इस दोस्तों, ये समय बताएगा कि क्या हो पाता है। लेकिन अभी तक जो कंपनी ने बिजनेस रिपोर्ट किया है हम निवेशकों के सामने, वो काफी अच्छा और उत्साहवर्धक देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में बर्गर किंग के शेयर भाव हम लोगों को और इसमें उछाल देखने को शायद ही देखने को मिले, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बेहद खराब हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने जस्ट पुराने वीडियो में देखा कि जब वो वीडियो बनाया गया था तो बर्गर किंग 180 रुपए के आसपास लोअर सर्किट में चल रहा था और इसने जो हाई बनाया था दोस्तों, ये तकरीबन 214 रुपए का बनाया था और फिलहाल अभी दोस्तों ये 141 रुपए पर चल रहा है। तो हम लोगों ने अनुमान लगाया था दोस्तों कि जो इसमें सर्किट लग रहा है वो सर्किट आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी और इस स्टॉक में जो है लगातार बिकवाली हावी रह सकती है, इसमें कोई फर्दर तेजी बनने की उम्मीद हम लोगों ने नहीं लगाई थी। और जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं चार्ट पर कि ये ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आ चुका है टूट करके। अब बहुत सारे निवेशक जो हैं रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर हैं इन स्तरों पर फंस गए, कुछ लोग इन स्तरों पर फंसे हैं। इतनी इसमें हाइप क्रिएट थी बर्गर किंग के चलते कि हर निवेशक ये सोच रहे थे कि मौका छूट गया है, अभी गिरा हुआ है तो इसे खरीद लें और हर गिरावट के साथ उन्होंने इसमें खरीदारी की। हालांकि हम लोगों ने पुराने वीडियो में ये पाया था कि इसमें इस शेयर में लगातार जो गिरावट जारी रहेगी, ऐसा हम लोगों ने अनुमान लगाया था, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा भी पुराने वीडियो के क्लिप में। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब जब गिरावट हो चुकी है तो अब आगे क्या हो सकता है। तो इसके चार्ट को देखें दोस्तों, अब चार्ट के पैटर्न को देख करके
अब यही समझ में आ रहा है कि ये एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, एकदम सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर दायरे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हम लोग दो लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए, एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पर अपर लाइन खींचा, एक दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं लोअर साइड में। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पर दो लाइन खींच लिए। अब इन दो लाइन के बीच में जो चैनल बन रहा है दोस्तों, बर्गर किंग, इन्हीं चैनल के बीच में ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये अभी 141 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मार्केट काफी हाई में है, और बर्गर किंग जो है ये इतने पॉजिटिव मार्केट में भी लगातार निचले स्तरों पर जाकर के ट्रेड कर रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोगों ने पाया था पुराने वीडियो में, कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं उतने अच्छे नहीं है, कंपनी पर काफी कर्ज हैं, लेकिन कंपनी ने वादा किया है अपने इन्वेस्टरों से कि जो आईपीओ में इनका पैसा आया है वो उसको अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाएंगी, और साथ ही जो बैंक के कर्ज हैं उसको भी ये कम करने की कोशिश करेगी। तो हम लोगों को दोस्तों जो आने वाले जो रिजल्ट रहेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट, उसको माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ने अपने वायदे के मुताबिक काम करना शुरू किया है कि नहीं, इसने अपने इंटरेस्ट बर्डन को कम करना शुरू किया है कि नहीं, और इन्होंने अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपेंशन मोड में लाने की कोशिश शुरू की है कि नहीं, इस सारी बातों पर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कंपनी अपने वायदे के मुताबिक अपने कर्ज को कम करने में सफल होती है और बिजनेस को एक्सपेंड करने में सफल होती है, तो इस शेयर में हम लोगों को वापस उछाल देखने को मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों कि किस लेवल पर इसमें खरीदारी करनी चाहिए और लंबे समय तक बने रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी जो निवेशक काफी ऊपरी स्तरों पर फंस गए हैं, उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है, उन्हें तो अब होल्ड ही करना पड़ेगा। और अगर एवरेज की बात करें तो इन स्तरों पर आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक जो है आपके पेशेंस की परीक्षा पूरा लेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो मेरे अनुसार अगर इस शेयर को लेना हो तो ये लगभग ये जो 120 का लेवल दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए ये जो 120 का लेवल है, इस स्तर से लेकर के और नीचे 100 रुपए तक, इसमें लगातार आप खरीदारी करके चल सकते हैं और लंबे समय तक बने रहे तो ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये स्टॉक रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर का पेशेंस का परीक्षा अवश्य लेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको पसंद आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।